सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में रजनीश किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटोस या फ्रेंच फ्राइज बोल लो आप, या आप सिंपल आलू के चिप्स बोल लो। तो ये हम जो बनाएंगे, इसमें तीन ट्रिक्स हमने यूज़ की है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें कि हमने कौन कौन सी ये तीन ट्रिक्स यूज़ की हैं इसे क्रिस्पी करने के लिए। अगर आप वो तीन ट्रिक्स यूज़ करते हैं इसे बनाने में, तो आपके 100% एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आलू को काट के पानी में रख दिया है। तो ये सबसे पहली ट्रिक है कि हमने आलू को काट के पानी से 2-3 बार धो लेना है, जिससे जो स्टार्च है वो निकल जाता है। फिर हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे अरारोट। उसी के साथ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर लाल मिर्च डालेंगे 1/4 टेबल स्पून, उसी के साथ चुटकी भर गरम मसाला। आप गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक थिक सा हमने मटेरियल बना के रख लेना है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, एकदम स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाना चाहिए और एकदम थिक है ये। तो फिर जो हमने आलू भिगो के रखे थे, उसे आपने पहले अच्छे से छन्नी से छान लेना है। फिर हम डालेंगे अरारोट के अंदर या कॉर्नफ्लोर। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक थी कि यहाँ पे हमने सूखा अरारोट या कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया। अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आलू का जो कलर है वो अच्छा आएगा फ्राई होते हुए, और जो अरारोट ऊपर होगा वो जलेगा नहीं जल्दी तेल में जाके। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लिया है तेल, उसमें हम ये डाल देंगे। तो पहले हमने कुछ 1 मिनट के लिए ही हमने इसे फ्राई करना है। तो इसको हमने 2 बार फ्राई करेंगे, जिससे अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, आलू भी अच्छी तरह पक जाएंगे और ये काले भी नहीं होंगे। तो इसको 1 मिनट हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं कलर थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, पर ये अंदर से कुक होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे हमने जो बाकी रिमेनिंग आलू हैं उसे भी फ्राई कर लेने हैं। तो आप ये काम आराम से करें। तो जो हमने आलू पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं अभी, तो वो अंदर ही उनकी जो हीट है वो अंदर ही अंदर वो कुक हुए जा रहे हैं। इसी करते हमने 2 बार फ्राई करेंगे इसे। ऐसे कलर भी एकदम डार्क कलर नहीं आएगा और ये अंदर से एकदम कुक हो चुके होंगे। तो इसको भी हमने कुछ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट के बाद फ्राई करके हमने इसे भी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो अब हमने तेल को फिर से अच्छी तरह गर्म करना है। तो हम जो सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे, ध्यान रखें तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। फिर जो हमने उसको सेकेंड फ्राई करेंगे, जिसको हमने पहले ही एक बार फ्राई करके रख लिया है, तो इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो इसको भी नियर अराउंड 1 to 2 मिनट्स लग जाएंगे फ्राई होने में। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कलर एकदम गोल्डन सा आ चुका है काफ़ी अच्छा। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, जिसमें हमें टिश्यू लगा के रखेंगे प्लेट में, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। तो इसी के साथ अब हमारी क्रिस्पी से आलू बनके तैयार हो चुके हैं, जिसको आप फ्रेंच फ्राइज बोलो या क्रिस्पी पोटैटोस बोलो या आप सिंपल आलू के चिप्स बोलो, ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।